डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैर से होंगे। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो शेयर्स का जो टॉपिक है ना ख़त्म हो जाए, और फिर डिबेंचर रह गया। डिबेंचर के सिर्फ दो ही सवाल करने हैं जिसमें से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने हैं, ठीक है। और अगर आपके शेयर्स क्लियर है तो डिबेंचर करना कोई मसला नहीं है। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है डिस्काउंट का। तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं। आसिफ मशीन लिमिटेड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज़ जो है 10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच। मैंने पहले बताया था कि ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, वो रकम जिससे आप कंपनी को रजिस्टर करने के लिए खर्च करते हैं। साथ उसने बता दिया कि इसमें सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल जो है वो 50 शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच है। इस चीज़ों को आपने लेके सवाल नहीं होना, आपकी मेन चीज़ तो क्या है वो ये है जो मैं आगे से पढ़ने लगा हूँ। इन रेजोल्यूशन है जनरल मीटिंग टू इशू जो है 20 शेयर्स ऑफ रुपीज़ ईच 10। या देखे ना, जनरल मीटिंग क्या है कि मीटिंग किया उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा है कि आवाम को 20,000 शेयर्स जारी करेंगे और शेयर की वैल्यू उसने बताई कितनी है, 10 है, एट 10% डिस्काउंट पे। यानी 10% डिस्काउंट का मतलब होता है असल कीमत से कम पर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द इशू वॉज परमिटेड बाई द अथॉरिटीज़ है, एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड फॉर रुपीज़ 15 शेयर्स, शेयर्स वर अलाउड इन है बैंक सेसी एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट की उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि प्रीमियम का जो होगा, प्रीमियम पे जारी करेगा तो उसको आपने क्या डालना है, लाइबिलिटीज़ में डालना है। और जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा आपको आएगा एसेट साइड पे, इसलिए क्योंकि कंपनी कम कीमत से जारी कर रही है और ये कोई ऐसी रकम नहीं है जिसको प्रॉफिट या लॉस में लिखा जा सके, ठीक है। बस अब हम पहले अपनी एंट्री पास करते हैं। अब मैं सीधा सीधा सवाल है बड़ा है, पहली एंट्री आपकी क्या होती है? ये जी, बैंक अकाउंट, शेयर, एप्लीकेशन, सारी एंट्रीज वही हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। अब देखिए कितनी कंपनी ने जारी किए शेयर्स, कंपनी ने शेयर्स कितने जारी किए हैं, 20,000। लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, 15,000 की, ठीक है। तो 15,000 को मैंने मल्टीप्लाई करना है, वो कह रहा है डिस्काउंट पे, ये देखें 10 का 10 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1। प्रीमियम में हम क्या करते हैं, प्लस, डिस्काउंट में क्या करेंगे, माइनस। कैसे करेंगे, देखिए असल वैल्यू शेयर की क्या आपके पास 10 है, अब वो कह रहा है कम कीमत पर इसे दे रहा है, माइनस किया 1 तो इसका मतलब 9 का डिस्काउंट दे रहा है वो टोटल शेयर्स पर। सिंपल है, क्या करना है आपके 15,000 को 9 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि शेयर्स मेरे पास इतने ही आए हैं। ये देखिए ये आया 135,000, ठीक है। ये पहली एंट्री आपके पास होगी, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई इस तरह नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है कि इजी तरीके से स्टूडेंट को समझाया जाए क्योंकि इस चैप्टर से ना स्टूडेंट बड़े घबराते हैं। अब इसके बाद कोई एक्स्ट्रा तो आया नहीं है क्योंकि कंपनी ने 20,000 जारी किए थे लेकिन मेरे पास 15,000 कम आ गया तो उसका कोई इशू नहीं होता। ये दूसरी एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब डिस्काउंट आपका हमेशा के वो एक्सपेंस होता भी है और एसेट साइड पे आता है, एसेट पे इसलिए आता है क्योंकि जो है कंपनी से कम कीमत से प्राइस पे जारी कर रही है। और दूसरा ये आपका एक्सपेंस होता है, इसलिए इसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। ये देखिए डिस्काउंट इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, ऑन शेयर्स अकाउंट। और क्रेडिट आपको ये देखें शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप गौर से देखें ना, दो ही एंट्री आपकी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो रहा है। सिर्फ जब प्रीमियम आया था उसको मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, अब डिस्काउंट है उसको मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया। अब सिंपल देखें कि शेयर कैपिटल कंपनी ने कितने शेयर जारी किए थे, 20,000 के, ठीक है। और फेस वैल्यू की बात करें और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10, यानी जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2 लाख। तो ये क्या है कि आपने कंपनी ने 20,000 शेयर्स जारी किए तो फेस वैल्यू आपकी कितनी थी शेयर्स की, 10 थी, 20 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2 लाख आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, 20,000 शेयर्स को आपने लेना और किसी को नहीं छेड़ना, कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, एक पर 1 रुपये का डिस्काउंट है, ठीक है, कम कीमत पर। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 20,000। और यहाँ पर टोटल वैल्यूज आपके पास आनी है, ये रहे जी। अब सिंपल आपको बताते हैं, अगर मैं शेयर एप्लीकेशन की बात करूँ तो मेरी फेस वैल्यू कितनी बनती है, ये देखा, सिंपल तरीका है, बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल है ही नहीं है कि आपके पता नहीं क्या हो, किस तरह करेंगे हम ये। अब देखें 2 लाख में मैंने 20,000 को ऐड किया तो मेरे पास आ गया है 2,20,000। सिंपल तरीका है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप देखें कि पता नहीं किस तरह हो नहीं रहा हमसे। ओह सॉरी, ज़रा ये देख लें ज़रा। अब मैं आपको बता दूँ कि एप्लीकेशन मेरे पास कितनी आई थी, एप्लीकेशन की बात है कि डिस्काउंट भी दे रहे हैं ना, तो
20,000 था, ठीक है, 20,000 शेयर्स जारी किए हैं और टोटल डिस्काउंट कितना दे रहा था वो आपको 9 का, तो 20 को आपने मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया, 1,80,000, ठीक है। अब 1,80,000 में आपने ऐड किया 2,00,000, तो मेरे 1,80,000 में आपने जो है 20,000 ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया जी, 2,00,000। इजी तरीका है, सिंपल है ये जी, ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। फिर आपको बताते हैं कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ये वैल्यू कैसे आनी, दो तरीके होते हैं कि आप ये करें इन दोनों को प्लस करें तो आपका आंसर आ जाए, लेकिन मैं बताता हूँ कि 20,000 के आपके शेयर्स थे और वो डिस्काउंट पे क्या कर रहे थे, जारी कर रहे थे, डिस्काउंट आपका 9 का है, तो टोटल शेयर्स को आपने टोटल जो है डिस्काउंट से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1,80,000 आ गया। और एक कितने का डिस्काउंट था, 1 रुपये का डिस्काउंट का दे रहा था, तो 20 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 20,000 आ गया। और ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैसे आया, एक दो को प्लस किया तो ये भी मैंने बता दिया आपको कि 20,000 के शेयर्स थे और कंपनी के फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, या क्योंकि वो अपने आपको कभी भी धोखा नहीं देती, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2,00,000 आते हैं, ठीक है। ये इनको प्लस किया, ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 2,00,000 आ गया। और आखिर में नरेशन आपने लिखनी थी बीइंग द शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। चले जी, ये आपको शेयर्स का जो है टॉपिक ख़त्म हो गया, शेयर्स का भी बता, पार का भी बता दिया, प्रीमियम का भी बता दिया और डिस्काउंट का भी बता दिया। क्वेश्चन के साथ पार लिखा होगा तो पार की एंट्रियाँ पास करेंगे, प्रीमियम लिखा होगा तो प्रीमियम की एंट्रियाँ पास करेंगे, डिस्काउंट लिखा होगा तो डिस्काउंट की एंट्रियाँ पास करेंगे। अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो हमें कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा कि एक दो सवाल और करवा दूँ ताकि आपके कंसेप्ट मज़ीद जो है क्लियर करें। तो आप जब भी वीडियो देखेंगे साथ ही आप कमेंट्स करें, आपके सारे कमेंट्स आप पढ़ते हैं, जो आप भी कोशिश करते हैं दे दी जाए स्टूडेंट को ताकि तसल्ली हो जाए कि कोई हमारे कमेंट्स पढ़ रहा है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है इसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ अपनी वीडियो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।